2027 तक बैन हो सभी डीजल गाड़ियां, पेट्रोलियम मंत्रालय का सरकार को अहम सुझाव। 2027 तक भारत में चलने वाली सभी डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। ऐसा हम नहीं, पेट्रोलियम मंत्रालय की एक रिपोर्ट कह रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा गठित पैनल ने सरकार को सुझाव दिया है कि अब डीजल गाड़ियों के बजाय इलेक्ट्रिक और गैस से चलने वाली गाड़ियों पर अधिक फोकस करना चाहिए। पैनल के अनुसार ये काम केवल एकमात्र डीजल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाकर ही किया जा सकता है। शहरी इलाकों में प्रदूषण स्तर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, जिसमें डीजल गाड़ियां भी अहम योगदान निभा रही हैं। इस वजह से पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा गठित पैनल ने डीजल गाड़ियों के उपयोग को कम करने का सुझाव देते हुए सन 2027 तक इन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देने की सिफारिश की है। पेट्रोलियम मंत्रालय की रिपोर्ट में भारत सरकार के सुझाव दिया गया है कि देश के जिन शहरों में जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है तथा जिन शहरों का प्रदूषण स्तर काफी अधिक है, वहां पर 2027 तक डीजल वाहनों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में उन बसों को शामिल करने का सुझाव दिया गया जो इलेक्ट्रिक से चलती है। बायोफ्यूल व्हीकल्स पर भी विचार। इलेक्ट्रिक वाहनों के अलावा बायोफ्यूल भी वाहनों के लिए एक अच्छा विकल्प है। कई कंपनियों ने इससे जुड़े वाहन भी निकालने शुरू कर दिए हैं। इसी वजह से पैनल की रिपोर्ट में कई जगहों पर इसका जिक्र किया गया। क्या केंद्रीय कैबिनेट देगी मंजूरी? फिलहाल पैनल ने सिर्फ सुझाव दिया है, इसको मंजूरी देना केंद्रीय कैबिनेट का काम है। हालांकि मोदी सरकार कई अहम बैठकों में ग्रीन हाउस गैसों का मुद्दा उठा चुकी है। ऐसे में अगर इस सुझाव को मान लिया गया तो कार निर्माण से जुड़ी कंपनियों को बड़ा झटका लगेगा। खबर से जुड़ी अपडेट जानने के लिए आप बने रहे सिटी वैब के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।